ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भाद्रपद मास के पहले प्रदोष व्रत पर बन रहे अद्भुत संयोग में की जाने वाली शिव पूजा और एक खास उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हर माह में दो प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 24 अगस्त बुधवार को है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक सुख और विशेष इच्छा की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं भाद्रपद प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 अगस्त बुधवार को प्राप्त हो रही है। ऐसे में प्रदोष व्रत 24 अगस्त बुधवार को रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:52 से 9:04 तक। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 24 अगस्त सुबह 8:30 पर। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 25 अगस्त को सुबह 10:37 पर। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। संभव हो तो व्रत करें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने की मान्यता है, इसलिए शाम के समय स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध दही घी शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे बिल्व पत्र चंदन अक्षत धतूरा उन्हें अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के समय सफेद चावलों से बनी खीर महादेव को अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। आइए अब जान लेते हैं इस दिन किया जाने वाला उपाय क्या है। दोस्तों, अगर आपको किसी काम में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है या आपका कोई काम कई समय से अटका पड़ा है तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर एक बेल पत्र को अपनी हथेली पर रखें और इस हथेली के ऊपर जल से भरा कलश रखें। अब इसे अपने पूरे घर में घुमाकर शिव मंदिर के शिवलिंग पर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित कर दें। अंत में बेल पत्र को अपनी मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। हर हर महादेव।